हेलो एवरीवन, स्व अध्ययन पर स्वागत है। आज हम कक्षा छठवीं के एक पाठ्य विषय अध्ययन करेंगे। शीर्षक है टिकट एल्बम। रचनाकार है सुंदरा रामस्वामी। यह एक बाल कहानी है। इस पाठ को हम एनिमेशन के जरिए अध्ययन करेंगे। अब राज्यपाल को कोई नहीं पूछता। आजकल सबके सब नागराजन को घेरे रहते। नागराजन घमंडी हो गया है। रज्जप्पा सारे लड़कों में कहता फिरता है, पर लड़के भला कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था। वह लड़कों को दिखाया करता। सुबह पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेर कर एल्बम दिखा करते। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। लड़के बस देखकर खुश होते। और तो और, कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थीं। पार्वती लड़कियों की अगुवा बनी और एल्बम मांगने आई। लड़कियों में वही तेज तरार मानी जाती थी। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रहीं, फिर उसे वापस कर दिया। अब राज्यपाल के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। वाकई उसकी शान अब घट गई थी। राज्यपाल के एल्बम की लड़कों में काफी तारीफ रही थी। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे। उससे तो बस एक यही धुन सवार थी। सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता। टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों को चक्कर लगाता। 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले 1 फिनलैंड का टिकट लेता। 2 पाकिस्तान के बदले 1 रूस का। वह शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटक कर अम्मा से चवेना लेकर निकर की जेब में भर लेता और खड़े खड़े कॉफी पीकर निकल जाता। 4 मील दूर अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों में होकर भागता। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपये में खरीदना चाहा था, पर राजप्पा नहीं माना। घमंडी कहीं का, राजप्पा बड़बड़ाया था। फिर उसने तीखा जवाब दिया था, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो ना 30 रुपये में। सारे लड़के ठहाका मार कर हंस पड़े थे। पर अब कोई उसके एल्बम की बात तक नहीं करता। और तो और, अब सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे हैं। सब कहते हैं राजप्पा का एल्बम फिसड़ी है, पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की। लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह नीची आंखों से देख लेता। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था, पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। पर खुद उसका एल्बम ही कितना प्यारा था, उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था, A.M. नागराजन, इस एल्बम को चुराने वाला वेसर में है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है रहेगा। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया। लड़कियों ने झट कॉपियां और किताबों में टिप लिया। तुम लोग यह नकल क्यों करते हो? नकलची कहीं के। राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी। सब चुप रहे, पर कृष्णन से नहीं रहा गया। जा जा, जलता है ईर्ष्यालु कहीं का। मैं काहे को जलूं? जले तेरा खानदान,
मेरा अल्बम उसके अल्बम से कहीं बड़ा है। रजपा ने शान बघारी। अरे उसके पास जो टिकटें हैं वह है कहीं तेरे पास? सब क्यों, बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दे। अरे पानी भरेंगे। हाँ कृष्णन ने छेड़ा। पर मेरे पास जो टिकट है वह कहाँ है उसके पास? रजपा ने फिर ललकारा। उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। कृष्णन भी कम नहीं था। ठीक है 10 रुपए की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दे। तुम्हारा एल्बम कूड़ा है। कृष्णन चीखा। हाँ हाँ कूड़ा। लड़के जैसे कोरस गाने लगे। रजपा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं। सिंगापुर से आए इस एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया। पर दोनों में कितना अंतर है ये लड़के क्या समझेंगे। रजपा मन ही मन कूढ़ रहा था। स्कूल जाना अब खलने लगा था और लड़कों के सामने जाने में शर्माने लगी। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु अब घर घुसा हो गया था। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता, रात को लेट जाता, सहसा जाने क्या सोचकर उठता, ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख जाता। उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी थी। उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गया है। उस दिन शाम उसने जैसे तय कर लिया था वह नागराजन के घर गया। अब कोई कितना अपमान सहे, नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा है। बस यही ना, वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं, एक एक टिकट की क्या कीमत होती है, वह भला क्या समझे। सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा वह उतना ही कीमती होगा, या फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकट कीमती होगा, वह भला क्या समझे। उसके पास जितने भी फालतू टिकट हैं उन्हें टरका कर उससे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। कितनों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया है। कितनी चालबाजी करनी पड़ती है, नागराजन भला किस खेत की मूली है। रजपा नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया। चूंकि वह अक्सर आया जाया करता था सो किसी ने नहीं टोका। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। भैया शहर गया है। अरे हाँ तुमने भैया का एल्बम देखा, उसने पूछा। रजपा को हाँ कहने में हेकड़ी हो रही थी। बहुत सुंदर एल्बम है ना, सुना है स्कूल भर में किसी के भी पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है। तुमसे किसने कहा? भैया ने। वह कूढ़ गया। बड़े से क्या मतलब हुआ, आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी। कामाक्षी कुछ देर तक वहीं रही फिर नीचे चली गई। रजपा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। अचानक उसका हाथ दराज के ताले से टकरा गया। उसने ताले को खींच कर देखा, बंद था। क्यों न उसे खोल कर देख लिया जाए। मेज पर से उसने चाबी ढूंढ निकाली। सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झांक कर देखा, फिर जल्दी में दराज खोली। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। पहला पृष्ठ खोला, उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम को झट कमीज के नीचे खोंस लिया और दराज बंद कर दिया। सीढ़ियां उतरकर घर की ओर भागा। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। उसने बाहर आकर झांका, पूरा शरीर जैसे जलने लगा था। गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था। रात 8 बजे अप्पू आया। हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। सुना तुमने,
नागराजन का एल्बम खो गया। हम दोनों शहर गए हुए थे, लौट कर देखा तो एल्बम गायब। रजप्पा चुप रहा। उसने अप्पू को किसी तरह टाला। उसके जाते ही उसने झट कमरे का दरवाजा भिड़ा लिया और अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर देखा, उसे फिर छिपा दिया। डर था कहीं कोई देख न ले। रात में खाना नहीं खाया, पेट जैसे भरा हुआ था। सारा घर चिंतित हो गया, उसका चेहरा भयानक हो गया था। रात उसने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई। एल्बम सिरहाने तकिए के नीचे रख कर सो गया। सुबह अप्पू दोबारा आया। रजप्पा तब भी बिस्तर पर बैठा था। अप्पू सुबह नागराजन के घर होकर आया था। कल तुम उसके घर गए थे? अप्पू ने पूछा। रजप्पा की सांस जैसे ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई, फिर सिर हिला दिया। वह जिस तरह चाहे सोच ले। कामाक्षी ने कहा था कि हमारे जाने के बाद खाली तुम वहां आए थे। अप्पू बोला। रजप्पा को समझते देर नहीं लगी कि अब सब उस पर शक करने लगे हैं। कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा है। उसके पापा शायद पुलिस को खबर दें। अप्पू ने फिर कहा। रजप्पा फिर भी चुप रहा। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही तो काम करते हैं। बस वह पलक झपक दे और पुलिस की फौज हाजिर। अप्पू जैसे आग में घी डाल रहा था। यह तो भला हुआ कि अप्पू का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया और अप्पू चलता बना। रजप्पा के पापा दफ्तर चले गए थे। बाहर का किबाड़ बंद था। रजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया और वह उसी तरह बैठा रहा। तभी बाहर की सांकल खटकी। पुलिस! रजप्पा बुदबुदाया। भीतर सांकल लगी थी। दरवाजा खटकने की आवाज तेज हो गई। रजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर भागा। अलमारी के पीछे छिपा दे, नहीं पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। एल्बम को कमीज के नीचे छिपाकर वह नीचे आ गया। बाहर का दरवाजा अब भी बज रहा था। कौन है? अरे दरवाजा क्यों नहीं खोलता? अम्मा भीतर से चिल्लाई। थोड़ी देर और हुई तो अम्मा खुद ही उठकर चली आएंगी। रजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा। जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाजा बंद कर दिया। अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की देगची चढ़ा रखी थी, उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। एल्बम जलने लगा। कितने प्यारे टिकट थे। रजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। तभी अम्मा की आवाज आई। जल्दी से आ तो नहा कर, नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। रजप्पा ने निकर उतार दी और गीला तौलिया लपेटकर बाहर आ गया। कपड़े बदल कर वह ऊपर गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया है यार। उसका चेहरा उतरा हुआ था। काफी रोकर आया था शायद। कहाँ रखा था तुमने? रजप्पा ने पूछा। शायद दराज में, शहर से लौटा तो गायब। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए। रजप्पा से चेहरा बचाकर उसने आंखें पोंछ ली। रो मत यार। रजप्पा ने उसे पुचकारा। वह फपक फपक कर रो दिया। रजप्पा झट नीचे उतर कर गया। एक मिनट में वह ऊपर नागराजन के सामने था। उसके हाथ में उसका अपना एल्बम था। लो यह मेरा एल्बम, अब इसे तुम रख लो। ऐसे क्यों देख रहे हो? मजाक नहीं कर रहा, सच कहता हूँ। इसे अब तुम रख लो। बहला रहे हो यार।
नागराजन को जैसे यकीन नहीं आया। नहीं यार, सचमुच तुमको दे रहा हूँ, रख लो। रजप्पा भला अपना एल्बम उसे दे दे, कैसा चमत्कार है। नागराजन को अब भी यकीन नहीं आ रहा था, पर रजप्पा अपनी बात बार बार दोहरा रहा था, उसका गला भराया था। ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे? मुझे नहीं चाहिए। क्यों, तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? नहीं, पर तुम कैसे रहोगे बगैर किसी टिकट के? रोता क्यों है यार? ले, इस एल्बम को तू ही रख ले, इतनी मेहनत की है तूने। नागराजन बोला। नहीं, तुम रख लो, लेकर चले जाओ, जाओ, चले जाओ यहाँ से। वह चीखा और फूट फूट कर रो दिया। नागराजन की समझ में कुछ नहीं आया, वह एल्बम लेकर नीचे उतर गया। कमीज से आंखें पोंछता हुआ रजप्पा भी नीचे उतर आया। दोनों साथ साथ दरवाजे तक आए। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूं? नागराजन सीढ़ियां उतरने लगा। सुनो राजू, रजप्पा ने पुकारा। नागराजन ने उसे पलट कर दिखा। एल्बम दे दो, मैं आज रात जी भर कर उसे देखना चाहता हूँ, कल सुबह तुम्हें दे जाऊंगा। ठीक है। नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दी और चला गया। रजप्पा ऊपर आया, उसने दरवाजा बंद कर लिया और एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रो दिया। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए।